नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दुबिका रुका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। न्यूज 21 पर है खबर। सबसे पहले तो न्यूज 21 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब रुक करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले के थानों में CLG बैठकों का आयोजन किया गया। SP विकास सांगलवाल ने पहले भादरा, नोहर व फिर देर साय रावतसर में CLG के सदस्यों की बैठक ली। रावतसर CLG की बैठक में मुख्य चिट्ठे व नशे व अंकुश लगाने, देर रात्रि तक बिक रही अवैध शराब पर रोक लगाने, क्षेत्र में बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। इस पर CLG के सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिए। SP सांगलवाल ने इस पर बोलते हुए कहा कि चोरियां, नशे व चिट्ठे के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है और जारी रहेगी। जिला मुख्यालय रतर पर जो कार्य संभव होंगे उन्हें तत्परता से करवाए जाएंगे व उच्च स्तर के कार्यों के लिए अधिकारियों व सरकार को लिखा जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। माननीय सामने आपका ध्यान किसी नशे की तरफ जोरदार तरीके से विनम्र अपील करता हूँ कि ये नशा गांव में पैर पसार चुका है, इस पर आप सख्त एक्शन लीजिए। और CLG सदस्य आपके साथ है और एक अभी आपने देखा है कि तापमान इस बार 50 डिग्री से ऊपर गया, जो लोग पेड़ काट रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई करो। मैं भारतीय किसान संघ का तहसील उपाध्यक्ष होने के नाते भारतीय किसान संघ ने इसी 17 तारीख को एक ज्ञापन भी दिया था, अंधाधुंध हमारे राज्य वृक्ष खेजड़ी का दोहन हो रहा है, उसका कटान बंद कीजिए। और नशे पर आपसे विनम्र अपील है, सब युवाओं को बता दीजिए, नशा गांव में पैर पसार चुका है, हकीकत ये है। और मुझे उम्मीद है आप युवा होने के नाते उस पर सख्त एक्शन लेंगे।